हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी जी द्वारा किसानों के लिए निरंतर काम किया जा रहा है, और जितनी योजनाएं वर्तमान की सरकारों ने किसानों के लिए दी, शायद पिछले कालखंडों में विभिन्न सरकारों ने भी उतनी योजनाएं किसानों के लिए नहीं दी थी। और आप जानते हैं कि किस प्रकार से विरोधी दल के नेता और विरोधी दलों के कार्यकर्ताओं ने किस दुष्प्रचार करने का प्रयास किया। किसान भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। अगर मैं सिर्फ योजनाओं की बात करूं आपसे, तो आपको खुद संज्ञान में होगा कि अखिलेश जी ने 2012 में किसानों के कर्जे माफ़ी की बात की थी, एक भी किसान का क्षेत्र में कर्जा माफ़ नहीं हुआ। और हमारी 2017 में सरकार बनती है, योगी जी की पहली कैबिनेट की पहली मीटिंग में पहला प्रस्ताव सिर्फ किसानों के लिए आता है, और प्रदेश के 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपया प्रदेश सरकार के मत से मार के रहा है। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये शायद आज़ादी के इतिहास में पहली बार किसी प्रदेश सरकार ने इतना बड़ा कर्जा माफी की योजना लागू की। और यही नहीं, किसानों को किसान सम्मान निधि देना, मृदा परीक्षण का काम करना, किसानों की अगर फसल नष्ट हुई होगी तो उस फसल नष्ट के लिए भी पूरा का पूरा मुआवजा देना, जितने भी यंत्र हैं बीज हैं उनमें भरपूर सब्सिडी देना, इस प्रकार से खरीदारी में भी व्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम। तो कुल मिला के किसानों की आय किस प्रकार से बढ़े, इस दृष्टि से हमारी सरकारों ने काम किया। अभी पिछले दिनों तीन जो किसानों के बिल आए थे उनको लेकर बड़ा हल्ला मचाया विपक्षी दलों ने। उन बिलों के बारे में भी अब किसान पूरी तरीके से जानकारी उनको मिल गई है, और उन किसानों ने एक मन बनाया कि निश्चित रूप से हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। पहले भी थे, आज भी है, आगे भी रहेंगे। 21 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चे के माध्यम से हमारे किसान मोर्चे के जिला अध्यक्ष आदरणीय मनोज कुमार सिंह जी यहाँ मौजूद हैं। उन्नाव में किसानों ने स्वयं अपने ढंग से हर ग्राम सभा से दो दो तीन तीन ट्रैक्टर लाने के निर्णय लिया है, और एक विशाल रैली का आयोजन हमारे जनपद के मुख्यालय में होने जा रहा, जो नवीन मंडी स्थल से निकलेगा और ये रैली के रूप में गंगा घाट शुक्लागंज तक के जाएगा। उस दिन यह निश्चित रूप से सिद्ध हो जाएगा कि जनपद और प्रदेश का किसान किसके साथ है। किसानों को योजनाओं के प्रति जागरूक करना, किसानों को जानकारी होना कि प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की कौन कौन सी योजना चल रही है, और साथ ही साथ जो लोग जनता में भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं कि किसान आज किसके साथ है, नाराज है कि नहीं है, उनको किसान स्वयं इस रैली के माध्यम से मुंह तोड़ जवाब देने वाले हैं कि जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ है।